हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल AEJEE एग्जाम। इस वीडियो में हम सर्वेइंग का क्वेश्चन जो है SSC JEE एग्जाम 2017-18 का क्वेश्चन जो है पार्ट 7 डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 है, द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रेडियोज लेवल एंड फर्स्ट रेडियोज लेवल इज इक्वल टू। अर्थमेटिक चेक जो है हम करते हैं लेवलिंग में, सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इक्वल टू होता है सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। नेक्स्ट है, द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस d बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इज। रिफ्रैक्शन करेक्शन CR इक्वल टू होता है प्लस 0.112 d स्क्वायर, सॉरी 0.0112 डी स्क्वायर होगा। तो CR जो है प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर d का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ d। कर्वेचर करेक्शन जो है इक्वल टू होता है माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। कंबाइंड करेक्शन जो है रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन का सम होता है जो इक्वल टू होता है 0.0673 डी स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस सो डैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। विजिबल डिस्टेंस जो है हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन। इसमें यूज जो है हम करते हैं रिफ्रैक्शन और कर्वेचर करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन लगेगा तो डिस्टेंस डी है और ये जो हाइट है ये एच होना चाहिए विजिबल के लिए, और एच जो है ये इक्वल होता है 0.0673 डी स्क्वायर। डी जो है यहाँ पे किलोमीटर में होगा, ये एच जो है मीटर में आएगा, तो डी जो है 3 किलोमीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एच इक्वल टू 0.0673 का स्क्वायर सॉल्व करने के बाद 0.6057, इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज। करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल MSL CH इक्वल टू होता है माइनस HL बाय R प्लस H। फॉर H, H जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन R। अगर H जो है बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू R, तो इसको हम जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो CH इक्वल टू हो जाएगा माइनस HL बाय R। CH जो है ये करेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ, L के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट ऑफ RL ऑफ अ पॉइंट। RL ऑफ अ पॉइंट जो है हम रिड्यूस लेवल जो है किसी पॉइंट का हम फाइंड आउट करते हैं। RL ऑफ अ प्रीसीडिंग पॉइंट अगर राइज हो तो प्लस साइन का यूज करते हैं, अगर माइनस हो फॉल हो रहा हो तो हम माइनस साइन का यूज करते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीसीडिंग पॉइंट माइनस फॉल। ऑप्शन ए है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोर साइट, रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फोर साइट, रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल। तो फॉल के केस में माइनस यूज करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, ए कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड। इसे हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन कर्व इज अ प्रोवाइडेड टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली एंड हैज रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी एट द स्ट्रेट एंड टू द डिजायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व जो है ये होता है लेंथ ऑफ कर्व L इक्वल टू होता है 2 पाई R डेल्टा बाय 360 डिग्री, या फिर हम ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू पाई R डेल्टा बाय 180 डिग्री। यहाँ पे डेल्टा जो है डिफ्लेक्शन एंगल है, R रेडियस ऑफ कर्व है। तो लेंथ ऑफ कर्व जो है ये
ऑप्शन ए है इसमें, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कर्व, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रेडियस ऑफ द कर्व, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल का ये प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर्व का और भी फॉर्मूला है जो एग्जाम में इसके यूज करके क्वेश्चन जो है इस पे आते रहता है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इक्वल टू होता है एल इक्वल टू टू आर साइन डेल्टा बाई टू। एपेक्स डिस्टेंस या फिर हम इसे एक्सटर्नल डिस्टेंस भी कहते हैं, ये इक्वल होता है ई इक्वल टू आर इंटू सेक सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन। टेंजेंट लेंथ इक्वल टू होता है टी इक्वल टू आर टेन डेल्टा बाई टू। मिड ऑर्डिनेट इक्वल टू होता है एम इक्वल टू आर माइनस आर इंटू वन माइनस कॉस डेल्टा बाई टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस इफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री एंड डिग्री ऑफ कर्व इज 8 सेकेंड। डिग्री ऑफ कर्व 8 डिग्री है और डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री, एपेक्स डिस्टेंस निकालना है। एपेक्स डिस्टेंस जो है ये हमारा ये एक्सटर्नल या एपेक्स डिस्टेंस है ये ई जो इक्वल होता है आर इंटू सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आर दिया नहीं है रेडियस ऑफ कर्व, तो आर जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व डी एंड रेडियस ऑफ कर्व आर फॉर अ चेन लेंथ ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर चेन के लिए जो है रिलेशनशिप होता है रिलेशन होता है डी इक्वल टू 1720 बाय आर। यहाँ पे डिग्री जो है दिया है डिग्री ऑफ कर्व जो 8 डिग्री है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1720 बाय 8, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्व आ गया 215 मीटर आर आ गया। और डिफ्लेक्शन एंगल पता है तो हम जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं एपेक्स डिस्टेंस, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 215 इंटू सेक थीटा सेक डेल्टा बाई टू 60 बाई टू माइनस वन। सॉल्व करने के बाद 32.26 जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द लेंथ टेंजेंट ऑफ अ 5 डिग्री कर्व इफ डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री। लेंथ ऑफ कर्व जो है कैलकुलेट लेंथ ऑफ कर्व निकालना है। लेंथ ऑफ कर्व होता है आर टेन डेल्टा बाई टू होता है, तो यहाँ पे जो है टेंजेंट लेंथ इक्वल टू आर टेन डेल्टा बाई टू, तो यहाँ पे 5 डिग्री दिया है आर नहीं दिया है, तो आर हम जो है आर और डी के बीच जो रिलेशन होता है आर इक्वल टू 1720 बाई डी। डी जो है डिग्री ऑफ कर्व है, डिग्री ऑफ कर्व 5 दिया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद 344 हमारा रेडियस ऑफ कर्व आ रहा है। तो अब हम टेंजेंट लेंथ निकाल सकते हैं टी इक्वल टू आर 340 टेन डेल्टा बाई टू 60 बाई टू। इसको सॉल्व करने के बाद जो है 198.61 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कर्व इन डिग्री ऑफ रेडियस ऑफ 570 मीटर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ। तो यहाँ पे डिग्री और रेडियस ऑफ कर्व में क्या जो है क्या रिलेशन होता है 20 मीटर के लिए ये पहले पता होना चाहिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व फॉर 20 मीटर लेंथ ऑफ चेन के लिए जो है आर इक्वल टू होता है 1146 बाय डी, और 30 मीटर के लिए होता है 1720 बाय डी आर इक्वल टू। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, तो डिग्री हम निकाल सकते हैं डी इक्वल टू हो जाएगा 1146 और आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 573, तो सॉल्व करने के बाद 2 डिग्री जो है हमारा आंसर आ रहा है।